दशहरा मैदान, छिंदवाड़ा और भगवान राम के जीवन काल का पराक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन दशहरा, इससे अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है? छिंदवाड़ा में दशहरा मने इसका मतलब आप समझ सकते हो, इससे आगे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम सबका सौभाग्य है छिंदवाड़ा जो प्रेम लुटा रहा है, जो हवा बहके आ रही है वो अपने आप में संकेत दे रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको एडवांस में बधाई दे रहा हूं कि आपके आने के बैठने के संकेत क्या, जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी के समय का, इस समय में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मैं समूचा मंच एक बार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का, जिला अध्यक्ष ग्रामीण, जिला पांडुर्ना, जिला अध्यक्ष बंटी भाई छिंदवाड़ा, शेषराव जी, संतोष पारीख जी, हमारे पूरे मंच के लिए एक बार अभिनंदन कर दे भरूपुरा मंच। मुझे एक दिक्कत है, हेलीकॉप्टर उड़ने में केवल 5 मिनट की देरी है और हमने कहा कि हर हालत में मैं भोपाल का कार्यक्रम भी करूंगा और आपके दर्शन भी जरूर करूंगा, क्योंकि भाषण से ज्यादा आपके भाव मेरे को समझ में आ रहे हैं, आपके भाव बता रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अज्जू भैया और उनको पूरी टीम और भाजपा में ज्वाइन होने वाले सभी लोगों के, मैं आज भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जिन जिन के नाम नहीं बोल पा रहा हूं उन सबको भी भाजपा में मानता हूं, एक बार अभिनंदन कर दे। हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ परिवार हम सबके लिए संकेत दे रहा है। ये संकेत हमको समझना चाहिए, दुनिया के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। हमारा अभी अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश का विजय अभियान पूरा हुआ है। मैं ये बात जानता हूं कि आपके अपने इस छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में जो हवा बही है, उस हवा का ही परिणाम है कि 163 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए आभार भी मानता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, दुनिया की कोई ताकत छिंदवाड़ा सहित हमको प्रदेश के विकास में रोक नहीं सकती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये आने के बाद जो स्टोन लगे हैं, लगभग 104 करोड़ की ज्यादा राशि के शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन, ये छिंदवाड़ा की नई इमारत लिखने में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में रहते रहते मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? आज बदलते दौर में मोदी जी का समय है और भाजपा की सरकार है, गरीबों की सरकार है, ड्राइवर का अपमान हो जाए और मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, कभी हो सकता है क्या? असंभव। गरीब आदमी के साथ खड़े होना, ये हमारी सरकार में जब हम शपथ लेते पहले दिन, पहले समय, उसी समय एहसास रहता है। सर्वस्पर्शी, समावेशी, पारदर्शी, बगैर राग और द्वेष के हम सबके साथ न्याय करेंगे। तो आज जनता के तंत्र में, जनतंत्र के आधार पर अगर गरीबों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार का क्या काम है? मोदी जी के रहते रहते आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे मध्य प्रदेश की बाहर आई, ये गौरव का क्षण है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, कोई आज आएगा कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। सबके साथ
प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब भारत माँ के लाल। हम सब तो हैं भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। आज समय बदला है और बदलते समय में हम और आप सब मिलेंगे लगातार। और एक बात सुन लेना, कोई योजना बंद नहीं होगी। ये बहनें भी सुन ले, लाडली लक्ष्मी से लगा करके सारी योजनाएं जो जो चालू है वो सारी की सारी योजना जारी रहेगी। और आगे मुख्यमंत्री 6000 और प्रधानमंत्री 6000, ये 12000 किसान सहायता निधि किसने चालू करी पहली बार, किसानों की जिंदगी बदलने में किसका योगदान है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। निश्चित रूप से आज बदलते दौर में आने वाले समय में वो जो 12000 तो मिल ही रहे हैं, और धान और गेहूं, अभी बजट हमारा पूरा नहीं आया है, बजट जुलाई में आएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, संकल्प पत्र के एक एक शब्द का ये सरकार अक्षरशः पालन करेगी, सारी की सारी घोषणाओं को लागू करेंगे। क्योंकि समय की कमी है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है कि आप उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं न चाहते हुए भी बीच में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन एक बात का आश्वासन आप सबसे चाहता हूं, मेरी बात से सहमत होंगे, मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, भारत को दुनिया का नंबर वन प्रदेश बनाने के लिए और मध्यप्रदेश और देश बनाने के लिए आप सब खड़े हो जाए, अपने हाथ को बांधे, मुट्ठी बांध करके संकल्प करें, जब तक मोदी जी की सरकार बनकर के भारत सरकार अपना तीसरा कार्यकाल चालू नहीं हो जाए तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक व्यक्ति का वोट, पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी छिंदवाड़ा से, लेकिन मैं भरोसा करता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जरा हाथ ऊपर करके नारा लगा के बोलो, भरोसा रखूंगा मैं छिंदवाड़ा पे, पक्की बात। इधर से आवाज कम आ रही, पक्की बात, और उधर से आवाज नहीं आ रही, आपका क्या मत है। हम और सब मिलकर के आप निश्चित रूप से छिंदवाड़ा को भी लोकसभा जिताएंगे। बोले जिताएंगे नहीं, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।